खरगोन जिले के सनावत सिविल अस्पताल को नई सौगात के रूप में ब्लड यूनिट मिला है, जिसकी मांग पिछले 4 सालों से की जा रही थी। बीएमओ डॉक्टर अनु समाज सेवी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र पटेल व अस्पताल स्टाफ की उपस्थिति में ब्लड यूनिट का विधिवत शुभारंभ किया। इस यूनिट में मरीजों को ब्लड देने की सुविधा रहेगी। इस ब्लड को जिला अस्पताल की प्रयोगशाला में भेजा जाएगा, वहां से ब्लड को संक्रमण रहित प्रक्रिया कर यूनिट में रखा जाएगा और यही ब्लड मरीजों को आवश्यकता अनुसार उपलब्ध किया जाएगा। सिविल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर A.S. चौहान ने बताया कि ब्लड यूनिट तो प्रारंभ हो गया है, परंतु इसके संचालन के लिए दक्ष स्टाफ के बगैर इसका संचालन करना मुश्किल रहेगा। फिर भी उन्होंने खुशी जाहिर की है कि ब्लड यूनिट नहीं था, अब हो गया है, तो इसके लिए संसाधन भी मुहैया हो जाएंगे। बीएमओ डॉक्टर अनुज ने बताया कि 24 घंटे यहां पर ब्लड उपलब्ध रहेगा और मरीजों को इसका लाभ भी मिलेगा। समाज सेवी नरेंद्र पटेल ने बताया कि यह ब्लड यूनिट की मांग बहुत पहले से थी, जो अब जाकर पूर्ण हुई है। इसके साथ और जो रिक्वायरमेंट होगी उसे हम जल्द पूरा करेंगे। सनावत से आशिक अली की रिपोर्ट। जो आज ब्लड बैंक का शुभारंभ किया गया है, निश्चित ही हमारे यहाँ जो टेक्नीशियन डॉक्टर्स हैं, कहीं न कहीं अपनी व्यवस्था जमा कर इस ब्लड बैंक को सुचारू रूप से चलाए गए और जो इन्होंने टेक्निकल स्पेशलिस्ट की मांग की है, हमारे विधायक एवं स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट से कहकर इसकी स्थान की वृद्धि निश्चित कराई है। जो अपने सीवियर एनेमिक बच्चे हैं, वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए या तो उन्हें इंदौर जाना पड़ता था या उन्हें खरगोन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना पड़ता था, तो ये यूनिट आज यहाँ पर स्टार्ट की है। तो उम्मीद ये रहेगी और पूरी कोशिश ये रहेगी कि उन बच्चों को सफ़र ना करना पड़े और अपने यहीं ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, यही उद्देश्य लेके हमने आज ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूनिट यहाँ पर स्टार्ट की। सर, ये यूनिट तो शुरू कर दी है, मगर इसके संचालन के लिए स्टाफ? हाँ, इसके संचालन के लिए स्टाफ, ट्रेंड स्टाफ ऑलरेडी हमारे पास डॉक्टर चौहान सर हैं, MD मेडिसिन है, पीडियाट्रिशियन है डॉक्टर यशवंत मालवीय सर हैं, एंड उसके लिए हमारे पास जो टेक्नीशियंस है हमारी मैडम है और बाकी का स्टाफ भी है जो इसके लिए सफिशियंट है, बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं। कुछ टाइम पीरियड रहेगा इसका कि 24 आवर्स ही अवेलेबल रहेगा? 24 आवर्स कर लिया है कि यहाँ पर ब्लड रखने के लिए जो व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को चाहे वो आधी अधूरी ही हो, मगर ब्लड यहाँ पर मरीजों को चढ़ रहा है और उसके लिए जो इन्होंने कोशिशें की है, उस कोशिश का ये पहला कदम है। आज इस यहाँ पर स्टाफ की कमी है, मगर फिर भी मरीजों को सुविधा मिले इसके लिए ये पहला प्रयास है। अब ये ब्लड के लिए यूनिट खुल चुका है और इस यूनिट के अंदर जो ब्लड लिया जाएगा उसका संक्रमण रहित करने के लिए उसको खरगोन भेजा जाएगा, मगर वहाँ से आने के बाद में जो ब्लड है वो मरीजों को दिया जाएगा। इससे आसानी ये हुई है कि मरीज को अब खरगोन जाना नहीं पड़ेगा या दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा, ब्लड का संक्रमण रहित करके उसको यहाँ पर ब्लड चढ़ा दिया जाएगा। कैमरामैन राजेश जैन के साथ आशीष A.S. 24 सनावत। मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए